नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे जीके में टॉपिक है मिश्र धातु एवं अधातुएं, जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। चलिए चलते हैं मिश्र धातु और अधातुओं के बारे में जानकारी के लिए। देखिए, मिश्र धातुएं में इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पीतल। मिश्र धातु में एग्जाम्पल है पीतल, यानी पीतल किसके किसके मिश्र धातु से बनता है। तो पीतल आपका जो है तांबा प्लस जस्ता पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। और इसमें जो है तांबा और जस्ता का क्या कितना परसेंटेज तांबा रहता है, कितना परसेंटेज जस्ता रहता है, इसके बारे में देख लीजिए। तो इसमें जो है आपका जो है 71% तांबा रहेगा प्लस 29% जस्ता, यानी जितने भी पीतल बनाए जाते हैं उसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण रहता है, जिसमें तांबा 71% और जो है जस्ता 29% रहता है। अब देखिए दूसरा मिश्र धातु टांका, दूसरा मिश्र धातु टांका। टांका किसका मिश्र धातु बनाता है, कैसे कैसे बनाता है टांका, ये देखिए। टांका जो है टीन प्लस सीसा, टाका जो है टीन और सीसा के मिश्रण से बना होता है। और इसमें कितना परसेंटेज टीन होता है, 68% जो है टीन होता है और सीसा जो है 32% होता है। टाका सोल्डर जो होल्डिंग होल्डिंग में किया जाता है उसको टाका कहा जाता है, उसमें टीन और सीसा का मिश्रण होता है। परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है कि टाका किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन में आप कैसे दे जाएगा टीन सीसा तांबा जस्ता ऐसे करके। तो टांबा किसका टाका किसका मिश्रण है, टीन और सीसा का। अब देखिए कांसा, कांसा किसका मिश्रण है, तांबा प्लस टीन, दोनों मिलकर जो है कांसा बनता है, तांबा और टीन मिलकर कांसा बनता है। इसमें देखिए तांबा जो है 88% और टीन कितना परसेंट है, 12%। कांसा जो है तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है, जिसमें तांबा जो है 88% और जो है टीन 12%। अब आते हैं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किसके किसके मिश्र धातुओं से बनता है। इसमें देखिए तीन चीज मिलता है, तांबा प्लस जस्ता प्लस निकिल, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। इसका परसेंटेज देख लीजिए, 50% तांबा प्लस 35% जस्ता प्लस 15% निकिल होता है इसमें। यानी जर्मन सिल्वर में जो है तांबा जस्ता और निकिल तीनों मिलकर जो है बनता है, जिसमें 50% आपका तांबा, 35% जस्ता और 15% निकिल। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है स्टेनलेस स्टील, जिसको हिंदी में धब्बा रहित लोहा कहा जाता है। ये देखिए स्टेनलेस स्टील में कई धातुएं मिलकर बनी होती हैं। इसमें आयरन जिसको लोहा कहते हैं, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस
प्लस निकिल, इसमें जो है पांच धातुएं मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। और इसमें क्या क्या है, देखिए आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, निकिल। अब इसमें भी परसेंटेज होता है, आयरन जो है 88.6%, क्रोमियम जो है 10%, मैग्नीज जो है 0.35%, कार्बन जो है 0.25%, और निकिल जो है 0.8%। ये सब मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसको धब्बा रहित लोहा भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो है आयरन तो मेन है इसमें, जिसके माध्यम से स्टील बनाया जाता है। इसके अलावा क्रोमियम 10% मिल जाता है स्टेनलेस स्टील में। तो क्रोमियम का क्या कार्य है, जंग रहित, यानी क्रोमियम ज्यादा मिलाएंगे तो लोहे में जो है जंग या धब्बा नहीं लगेगा, इसलिए जो है क्रोमियम मिलाया जाता है। कार्बन क्या है, कार्बन में देख लीजिए, जितने अधिक कार्बन मिलाएंगे उतने अधिक स्टील की जो है कठोरता बढ़ेगी। कार्बन कठोरता के लिए बनाई जाती है, जितने अधिक कार्बन डालेंगे उसमें जो है कठोर होगा स्टील। इसके अलावा निकिल क्यों मिलाया जाता है, अचुंबकीय, मतलब चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए, अचुंबकीय के लिए जो है निकिल मिलाया जाता है। ये आपको हो गई मिश्र धातुएं। अब देखिए अधातुओं में क्या है, अधातुओं में हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन, कोयला, ये सब जो है अधातुएं, यानी कार्बन के विभिन्न रूप है। अब देखिए इसमें जो है कोयला चार प्रकार के होते हैं, और कौन कौन है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिन्स कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। तो इसमें सबसे आदि कौन सी क्वालिटी का कोयला अच्छा आता है, जिसमें ज्यादा कार्बन की मात्रा हो वही जो है सबसे अच्छे क्वालिटी की कोयला होती है। अब देखिए पीट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, पीट में जो है आपकी कार्बन की मात्रा जो है 50% होती है, लिग्नाइट कोयले में 45%, और जो है बिटुमिन्स में, नहीं सॉरी, लिग्नाइट में 35%, बिटुमिन्स में 45%, एंथ्रेसाइट में 85%। यानी कि सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट। अब देखिए एक कार्बन का एक और रूप है, जिसको जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड। इसको जो है शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं हम लोग, शुष्क बर्फ। क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में कि शुष्क बर्फ क्या है, तो यह एक प्रकार का ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड है। ये हो गया आपका मिश्र धातुएं और अधातुएं, जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। इससे अनेक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह हम वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। जिस फ्रेंड ने हमारा चैनल जीके अर्जुन सर सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। थैंक यू।